हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास टेंथ का जो मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1, उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने इसका 8 चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है। इस तक इसकी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको जो चैप्टर 8 की एक्सरसाइज है उनमें जो मेन मेन आइडेंटिटी है या जो मेन मेन उनमें जो एंगल्स की वैल्यू है उनका आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ये समझ आएगा। तो अगर आपको एंगल निकालना सीखना है कि कैसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिलेगी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेनली जो यहाँ पे हमारा यूज होगा वो देखेंगे, एंगल की वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, या तो आपको आता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है क्या, जिसको हम इसको शॉर्ट ट्रिक से लिखते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे कोस और यहाँ पे टेंजेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू बनानी है तो वो क्या हो जाएगी, पी बाई एच। पी का मतलब क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेनियस। ऐसे कोस की लिखनी है तो बी बाई एच, कोस थीटा की लिखनी है तो बी बाई एच। यहाँ से बी का मतलब क्या है, बेस, एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेंजेंट की लिखनी है तो पी बाई बी, पी बाई बी, और पी का मतलब यहाँ पे है परपेंडिकुलर और बी का मतलब है यहाँ पे बेस। ऐसे यहाँ पे सीकेंट थीटा, सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो ये बी बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। ये यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकेंट, यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट और यहाँ पे लिखेंगे कोट। तो यहाँ से सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, एच बाई बी। ऐसे ही कोसिकेंट की वैल्यू को लिखेंगे हम तो वो हो जाएगी एच बाई पी, साइन का अपोजिट। तो कोट किसका अपोजिट हो जाएगा, टेंजेंट का, तो बी बाई पी। एक तो आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक मेन चीज क्या है इसमें कि अगर हमें मान लो यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है और ये वाला एंगल गिवन है, तो जो भी एंगल हमें गिवन है ना उसके जो अपोजिट में होगी उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और उसके जो एडजेसेंट होगी उसको हम बोलते हैं बेस, और ये वाली चीज क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो इन चीजों को आपका पता होना चाहिए क्या, कि जो भी एंगल गिवन है कि यह ट्रायंगल इस तरह ऐसे गिवन है तो ये वाली हो जाएगी अपनी बेस, ये हो जाएगा अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये आपको बताना चाहिए, ये वाली चीजें, ये वाली चीज, साथ में जो एंगल की वैल्यू है साइन 30, साइन 60, वो भी आप चैनल पे उसकी वीडियो है तो वो आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे हम इनका यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका फर्स्ट सम। तो इसके फर्स्ट सम में क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो क्या है कि कोई भी एक सर्कस का आर्टिस्ट है, उसने कितने मीटर लंबी रस्सी ली है, 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल यहाँ पे है और एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने 20 मीटर लंबी एक रस्सी है उसको यहाँ पे पोल के अप से और नीचे तक बांध के रखा है, यहाँ तक बांध के रखा। तो इस रोप की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। उसके बाद क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, हमें बतानी है हाइट ऑफ दी पोल। ये पोल है, इससे सर्कस आर्टिस्ट है, यहाँ से इसके टॉप से ग्राउंड तक उसने एक रोप को बांध के रखा है, हमें इसकी हाइट बतानी है। हमें क्या गिवन है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, कि जो इस रस्सी ने ग्राउंड के साथ जो भी एंगल बनाया है उसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये वाली चीजें हमें गिवन है। तो अब हम इसको सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन वन सम फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया ए बी सी। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली चीज निकालनी है, हाइट ऑफ दी पोल निकालनी है। अगर यहाँ पे आप गिवन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर और जो हमारा एंगल ए गिवन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। निकालना क्या है हमें, हाइट ऑफ पोल। तो कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ पोल की, तो देखो हमें क्या पता है, हमें ये वाली चीज निकालनी है, ये वाला एंगल गिवन है ना, तो ये वाली चीज क्या हो गई अपनी बेस, ये वाली परपेंडिकुलर अपोजिट वाली, और ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो इसके इन आइडेंटिटी को यूज करके निकालेंगे हम कैसे, कि यहां से देखो निकालना है हमें ये, तो ये क्या हो गया बीसी, और ये हमें गिवन है, जो गिवन है और जो निकालना है उन दोनों को लेके चलना है, निकालना ये है गिवन ये है, तो ये क्या हो जाएगा एसी, बीसी एसी, बीसी क्या है परपेंडिकुलर है और एसी क्या है हाइपोटेनियस है। जो निकालना है, जो गिवन है उसकी हेल्प से निकालेंगे, क्या गिवन है हमें, ये वाली चीज हमें गिवन है, ये वाली चीज हम निकालेंगे, तो इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे। तो बीसी अपॉन एसी ये क्या होएगा, पी बाई एच। तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 30। अब देखो
बीसी हमें निकालना है, एसी की वैल्यू कितनी है 20, और यहाँ से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब हम करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम इस ये 20 यहाँ पे डिवाइड में है तो वहाँ पे जाके ऊपर चला जाएगा, कैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या तो बीसी क्या हो जाएगा 2BC = 20, तो बीसी क्या हो जाएगा 20/2 10 मीटर। तो यहाँ से जो पोल की लेंथ आई है वो कितनी आएगी 10 मीटर। तो ऐसे इनकी हेल्प से हम जो एंगल की वैल्यू है उनकी हेल्प से हम ये वाला सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेकंड सम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।